अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 5 एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपोनेंट? द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द बेस नंबर? इफ आई राइट 5 रेज टू पावर 3, सो आपके पास ये जो 5 है ये क्या होगी? बेस। और ये जो 3 है ये क्या होगी? पावर। पावर को आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं। 3 को चाहे आप पावर कहें चाहे एक्सपोनेंट कहें, दीज आर द सेम थिंग्स एंड इट्स बेस इज 5। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन स्टेटमेंट रीड करूंगी मैं। द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहां पर आपके पास क्या है? 3। टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय द बेस नंबर? हियर बेस इज 5। अब एक्सपोनेंट हमें क्या बताएगा कि कितने टाइम हमने बेस को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास 5 रेज टू पावर 3 है, इट मीन्स दैट आपके पास 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स। ठीक है, इट मीन्स दैट 5 रेज टू पावर 3 विल बी इक्वल टू 120। 5 5 5s are 25 25 5s are 125। Now students, we are going to discuss the laws of exponent. Student, the first law is x raised to power m multiplied by x raised to power n, it will be equal to x raised to power m plus n. First law hai aapke paas, agar basis same ho, like yahan par base kya hai? x, और इसका एक्सपोनेंट क्या है? m। यहां पर बेस क्या है? x, और इसका एक्सपोनेंट क्या है? n। अगर आपके पास बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। लाइक x रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर n, इट मींस दैट आपने क्या करना है? बेस को वन टाइम लिखना है और इन दोनों की पावर्स को क्या कर लेना है? ऐड। अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड लॉ है एक्स रेज टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाय वाई रेज टू पावर एन। अब आपके पास बेसिस जो है वो चेंज है, यहाँ पर बेस क्या है? एक्स, और यहाँ पर बेस क्या है? वाई। इसके एक्सपोनेंट क्या है? एन, और इसके एक्सपोनेंट क्या है? एन। इट मीन्स दैट आप इनको इकट्ठे एक एक्सपोनेंट के साथ राइट कर सकते हैं, लाइक एक्स क्रॉस x raised to power n multiplied by y raised to power n, it will be equal to xy whole raised to power n. आप xy को ऐसे write कर लें, x dot y write कर लें, या x cross y write कर लें, these are the same things. So students, ये आपका था second law. Third law है आपका, अगर आपके पास basis same है, like यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, और क्या हो रही है? डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों नंबर्स, क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो नंबर्स, तो उनकी जो पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? माइनस। सो आपने बेस को वन टाइम लिखना है, m माइनस n, इसकी पावर क्या थी? m, और इसकी पावर क्या थी? n, m माइनस n। फर्स्ट वाला लॉ क्या था? बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हुई थी? एड। थर्ड वाला लॉ क्या है? बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, तो पावर्स क्या होंगी? माइनस। नाउ स्टूडेंट, इन फोर्थ लॉ एक्स रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय वाई रेज टू पावर एन। अब आपके पास बेसिस सेम नहीं है बट पावर सेम है, और ये दोनों नंबर्स क्या हो रही है? डिवाइड। आप इसको राइट करेंगे एक्स डिवाइडेड बाय एन, और होल रेज टू पावर क्या लिख देंगे? एन। लाइक बेस को आप वन टाइम लिख दें, एक्सपोनेंट को आप वन टाइम लिख दें, और उनकी बेसिस को क्या करें? आप डिवाइड कर दें। ये था स्टूडेंट्स आपका फोर्थ लॉ। नाउ स्टूडेंट, फिफ्थ लॉ एक्स रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर एन। लाइक अगर आपके पास इस तरह से सिचुएशन हो, ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास एक्सपोनेंट हो, आउटसाइड द ब्रैकेट भी एक्सपोनेंट हो, इसका मतलब पावर की पावर है। पावर की पावर हो तो वो क्या होती है? मल्टीप्लाई। पावर की पावर हो तो क्या होती है? मल्टीप्लाई। सो एक्स रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन, इट विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम एन। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास सिक्स लॉ है
x raised to power 0 will be equal to 1. आपके पास कोई भी बेस हो, ठीक है, अगर उसकी पावर 0 है तो इट विल बी इक्वल टू 1. सो दीज आर योर 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स.